नहीं, हम तो ये कहेंगे कि भाई रिजल्ट आया है और ये रिजल्ट में कितने लोग नाखुश हैं, उनकी नाखुश की वजह क्या है, ये चीज़ों को लेकर गंभीर होकर थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी के पास जाएं, सौंपने का काम करें। जिस एक भी महिला चेहरा नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है महिला चेहरा, क्या बात करते हैं आप मीडिया वाले, आप मीडिया वाले हैं सर, एक मिनट, आप जब मीडिया वाले हैं और इस तरीके से बातें ना करें, गंभीर हैं। निसंदेह हम चाहेंगे कि हर एक युवा को खतियान के आधार पर स्थान नीति और नियोजन नीति मिले और एक एक लोगों को काम मिले। चलिए देखिए, ये तो चलाने वाले लोग हैं जो कि गलत तरीके से गुमराह करते हैं चुनाव के पहले आकर, तो हम तो ऐसे लोगों को यही सजेस्ट करेंगे भाई लोगों को गुमराह करना बंद करें। क्या मुद्दा रहेगा असली का जनता के लिए, क्या क्षेत्र का, क्या विकास का एजेंडा आपका क्या रहेगा सदन में इस बार? विकास विकास विकास, ये सबसे बड़ा मुद्दा है और इस विषय को लेकर हमें जो कुछ भी करना पड़े जब तक हमारे शरीर में जान है, निसंदेह मैं सिल्लीवासियों के लिए करूँगा। और हम कहें कि सिल्लीवासी ही नहीं, हमारे झारखंडवासी भी हम पर गौरवान्वित करें, ये हम अपनी इच्छा जाहिर करते हैं और वैसे वैसे कार्यों का निर्धारण करेंगे। नाम चर्चा में काफी आ रहा था कि आपको भी मिलेगा मौका। चलिए, चर्चाएं बहुत सारी होती रहती है और जहां भी लोगों का एक जमावड़ा होता है सोशल मीडिया में तो इस तरीके की चर्चाएं आम है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि विधायक के रूप में मंत्री से बेहतर मैं काम करके दिखाऊंगा। जो यहां की समस्या है, बेरोजगारी की, भुखमरी की, गरीबी की, हमारी अशिक्षा, शिक्षा की, चिकित्सा की, बिजली पानी, जो हमारी मूलभूत समस्याएँ हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम और हमारी पार्टी चाहती है कि हमारे झारखंड में इन सारी चीज़ों पर बेहतर तरीके से काम हो, ताकि हमारे यहाँ के लोगों को बेहतर शिक्षा मिल सके, बेहतर चिकित्सा मिल सके, बेहतर बिजली मिल सके, पेयजल की समस्या जो ख़त्म है वो हो सके, हमारे यहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, हर हाथों को काम मिल सके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी इच्छाएँ जैसे कि आमजन की होती है, ठीक उसी तरीके से हमारी भी इच्छा है, आने वाले दिनों में बेहतर होगा ये हम इच्छा जाहिर करते हैं और हेमंदा कुछ बेहतर करेंगे हम ये चाहते हैं। दादा, आपको जायंट किलर कहा जा रहा है, काम भी जायंट होने वाला है इस बार? सर, जायंट किलर कोई होता नहीं है, ये हमारी सम्मानित जनता होती है और जनता जिसे चुनकर आगे बढ़ाती है, एक नेतृत्व करने का जिम्मा देती है, उसके हाथों में बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी सौंपती है और हम उस जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटेंगे। आपके माध्यम से मैं तमाम जनता को आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे ओर से जो भी कदम उठेंगे हमारे सिल्लीवासियों को गौरव करने वाला कदम उठेगा। अमित जी, झारखंड के सबसे ज़्यादा देखा जाता था हाथी का समस्या कहीं ना कहीं देखा जाता है, उसको लेकर क्या कुछ करने जा रहे हैं आप? जो किसी ने नहीं किया है उस तरीके से हमने अभी तक कर दिया है इस हाथी को लेकर, और आने वाले दिनों में भी हम आपको बताएं कि हम सबों को जो कुछ भी करना पड़े, चूँकि एक हाथी हमारे लिए भी समस्या है, जितने हम तो कहेंगे कि सबसे पहला यदि किसी ने प्रश्न उठाया था इस विधानसभा में तो वो मैं था। हमने यह कहा था कि उग्रवादी गतिविधियों से जितने लोग हमारे इस क्षेत्र में मारे नहीं जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा हाथी से मारे जाते हैं, तो आने वाले दिनों में ये समस्या खत्म हो, इसका हमें निजात मिले, निराकरण हो, ये चीज़ें इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हमने राज्यपाल महोदय से भी आग्रह किया था जब हाथी को लेकर कोई गंभीर नहीं था, आज हमारे हेमंता हमारे मुख्यमंत्री हैं, निसंदेह वन विभाग जिनके जिम्मे होगा, हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि हाथी की समस्या खत्म करें, हमारे लिए हाथियों का एक कॉरिडोर बने जिसमें कि हाथी सुरक्षित कराया जा सके, सुरक्षित रखाया जा सके और हमारे लोग इस समस्या से निजात पा सके। दादा, आप भी दूसरी बार के विधायक हैं, मंत्री पद को लेकर आपकी भी चर्चा हुई थी क्या? सर, ये मंत्री कोई मायने नहीं रखता है सर, हमारे लिए और हमारे लोगों के लिए काम मायने रखते हैं और हमें जो बल मिला है वो हेमंता है, हेमंता के माध्यम से हम एक से एक बढ़कर काम कर सकते हैं क्योंकि ये मुख्यमंत्री हमारे गंभीर व्यक्ति हैं और हर चीज़ को समझते हैं। दिल्ली बना दिए थे सुदेश जी, अब आगे क्या? ये तो सर कही हुई बातें हैं, आप भी जाएंगे सिल्ली तो देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें आज विराम लगी हुई है, बहुत सारे अवरोध हैं विकास के मार्ग पर, एक एक अवरोध को हम लोग खत्म करने का काम करेंगे, एक एक रोड़ा को हटाने का काम करेंगे और सिल्ली को विकास के मार्ग पर चलाएंगे नहीं बरन दौड़ाने का कोशिश करेंगे। गंभीर हैं, निसंदेह हम चाहेंगे कि हर एक युवा को खतियान के आधार पर स्थान नीति और नियोजन नीति मिले और एक एक लोगों को काम मिले। अंतिम सवाल था जी, इस तरह से जो सिल्ली में बहुत सारे बस सेवाएं वगैरह चल रही थी वो रुक सा गई है, अमित मैं तो इसको लेकर क्या करेंगे शोषित पीड़ित वंचित? चलिए देखिए, ये तो चलाने वाले लोग हैं जो कि गलत तरीके से गुमराह करते हैं चुनाव के पहले आकर, तो हम तो ऐसे लोगों को यही सजेस्ट करेंगे भाई लोगों को गुमराह करना बंद करें, ताकि लोग इस तरीके से भ्रमित ना हो और अपने गुजर बसर कर सके, बेहतर तरीके से सुख समृद्धि को पा सके। रिजल्ट आ गया और अधिकतर स्टूडेंट जो है नाखुश है, क्या कहिए? नहीं, हम तो ये कहेंगे कि भाई रिजल्ट आया है
और ये रिजल्ट में कितने लोग नाखुश हैं, उनकी नाखुश की वजह क्या है, ये चीजों को लेकर गंभीर होकर थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी के पास जाएं, सौंपने का काम करें जिस चीज पर उसकी नाराजगी है। पहली बार फुल फ्लेज में सरकार बनी है, 12 के 12 मंत्री पद जो है वो भर दिए गए, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है, आने वाले दिनों में बेहतर दिखने को मिलेगा, ये झारखंड समृद्ध बनेगा ऐसा हम आशा रखते हैं, इच्छा जताते हैं। एक भी महिला चेहरा नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है महिला चेहरा, क्या बात करते हैं मीडिया वाले, आप मीडिया वाले हैं सर, एक मिनट, आप जब मीडिया वाले हैं और इस तरीके से बातें ना करें। जेएमएम कोटे की बात कर रहे हैं, जेएमएम से कोई चेहरा है महिला? फिर अगर पुरुष ने, नहीं नहीं देखिए, हर चीजों को देखते हुए हमारे बड़े भाई ने ये डिसाइड किया है और ये जो है बेहतर विकल्प है, इससे बेहतर नहीं हो सकता। इससे बेहतर ये बातें लगातार सामने आ रही थी।